Hello students, welcome to the second online class of Plus One Structure of Atom under our YouTube channel Inspiring Minds. So hope you like our first video, first lecture. So continue karte hain second lecture, right? Our topic today is atomic number. Mass number isotopes isobars isotones isodiphers isosters and nuclear isomers. तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे. एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स एंड न्यूक्लियर आइसोमर्स. पहली क्लास में हमने कर लिया था भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं. फिर थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज रिवाइज करवा देता हूं. फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बेसिस पे आइसोटॉप, आइसोबार ये सारी स्पीशीज को सीखेंगे, राइट? काम आएंगी कंपटीशन में भी और बोर्ड्स वालों के लिए. चलो इतना तक तो है ये बोर्ड्स में आइसोटॉप्स तक, बाकी सीख लोगे तो कोई नुकसान नहीं है. बोर्ड्स के लिए बोर्ड से थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज का कभी नुकसान नहीं होता है ना. नॉलेज कम नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरा मानना है, राइट? चलिए, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि टॉपिक है हमारा, एलिमेंट का सिंबल है एक्स ए जेड. हाँ, तो x बताया था क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट. a क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर. z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर. a रिप्रेजेंट करता है मास नंबर, x रिप्रेजेंट करता है सिंबल, z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर. मास नंबर क्या समझाया था, तो मास नंबर a था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम. जेड किसके इक्वल था, जेड था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, यानी कि पी. और इलेक्ट्रॉन क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन बताया था जेड माइनस चार्ज. तो जेड माइनस चार्ज रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, राइट? मास नंबर का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन पी, और ई इज इलेक्ट्रॉन, जेड माइनस चार्ज. एग्जाम्पल 56 26 आयरन. तो बताओ इसमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. तो अब 26 क्या है इसका, जेड, जेड किसके इक्वल है, प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, 26. छोटा पी डाल लो चाहे बड़ा पी डाल लो, एक ही बात है. अब 56 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो 56 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन कितने, 56 माइनस प्रोटॉन. प्रोटॉन कितने फाइंड किया हमने, 26. तो 56 माइनस 26 कितना आ गया, 30 न्यूट्रॉन्स, राइट? अब हमने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, z माइनस चार्ज. चार्ज कितने स्पीशीज पे, कुछ भी नहीं, जीरो. तो z है 26 माइनस जीरो, यानी कि 26. आप ऐसा भी बोल सकते हो भी अगर न्यूट्रल एटम है तो z ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अगर चार्ज आ गया कटायन या एनायन, तो फिर
इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से डिफरेंट हो जाएंगे, तो Z माइनस चार्ज निकाल सकते हो। तो यहां पे चार्ज जीरो था तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए 26। कर लो नोट। राइट, नेक्स्ट ले लो। Na पॉजिटिव 2311, फाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो 23 क्या है मास नंबर, तो 23 इज A, A किसके इक्वल है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 23 इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेवन क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हो गए 11। अब न्यूट्रॉन कितना, 23 माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं 11, 23 माइनस 11 कितना आ गया 12, तो न्यूट्रॉन आ गया 12। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया है, जेड माइनस चार्ज, तो जेड कितने स्पीशीज में 11, चार्ज कितने सोडियम के ऊपर प्लस 1, तो वैल्यू कितनी डालोगे 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना 10, तो दिस स्पीशीज हैज 10 इलेक्ट्रॉन 12 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कर लो नोट। आ रहा ना समझ में, इजी सी बात है, ठीक है जी, करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, चले आगे। तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के इक्वल, इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, कटायन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, अनायन होगा तो माइनस माइनस करके ऐड हो जाएगा, कल भी डिस्कस किया था। एक्स को बोलते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। मास नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो इस तरह से आप सब ढूंढ सकते हो। चलिए नेक्स्ट, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर मास नंबर क्लियर है सबको। तो हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप शब्द का मतलब होता है टू और मोर देन टू, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो दो या दो से ज्यादा एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा पर मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा, ऐसी ऐसे एटम्स को क्या बोलेंगे आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल 11H, 21H, 31H, ये तीन हाइड्रोजन के एटम है, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं पी, इसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं डी, इसको ट्रिटियम भी बोलते हैं टी। अब इस इन तीनों में देखो क्या है, तीनों एक ही एलिमेंट के एटम है, तीनों हाइड्रोजन के, तीनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है पर तीनों का क्या डिफरेंट है मास नंबर। इसका मास नंबर वन है, इसका टू है, इसका
3 है, राइट। तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। और एग्जांपल, एग्जांपल 2, 12 6 कार्बन एंड 14 6 कार्बन। अब 12 6 कार्बन और 14 6 कार्बन को देखो तो दोनों कार्बन के एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, फर्क क्या है? मास नंबर में। कार्बन एक का मास नंबर है 12, एक का मास नंबर है 14, तो सेम एटम के एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट है। तो ये दो एग्जांपल्स होगी। अब इनमें एक चीज और कॉमन है, वो ये है जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो आप टेंथ में भी पढ़ के आए हो, आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो क्योंकि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, सो दे आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन, दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, सो दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं? सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि इनका सेम है एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, सो दे ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, राइट। कर लीजिए नोट आइसोटॉप्स के बारे में। दो या दो से ज्यादा एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उन स्पीशीज को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के तीन एटम्स हैं, तीनों में एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ये है आइसोटॉप्स। ऐसे ही कार्बन 12, कार्बन 14, ये भी आइसोटॉप है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर डिफरेंट है, राइट। कर लीजिए नोट। अब इसमें एक और बात सीखने वाली है, भी आइसोटॉप्स में एक्चुअली डिफर क्या करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दे हैव आइडेंटिकल प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बट दे डिफर, डिफर इन व्हाट? दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनमें प्रोटॉन भी बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, लेकिन किसकी, किसका अमाउंट डिफरेंट है? न्यूट्रॉन्स का अमाउंट डिफरेंट है, तो दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे प्रोटियम में, अब आपको पता है ना ये नीचे वाला है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितना हुआ? 1। अब ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना? Z माइनस चार्ज, तो Z मतलब 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना? 1। न्यूट्रॉन कितना? A माइनस प्रोटॉन, तो 1 माइनस 1 कितना? 0। अगले में प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन कितना? 1। 2 माइनस 1 करोगे तो न्यूट्रॉन कितना? 1। इसमें प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन कितना? 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो पहले में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, दूसरे में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, तीसरे में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो मैंने यही लिखा है, दे हैव आइडेंटिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की संख्या में डिफर करते हैं कौन? आइसोटॉप्स। सो दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट बच्चों। चलिए चले आगे, बढ़े आगे। ये हम मिटा देते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, या तो नोट कर ही लिया होगा क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं हमने आज।
तो एटॉमिक नंबर कर लिया, मास नंबर कर लिया, अब हम कर रहे थे आइसोटॉप्स। अब दोबारा से सुनो, एग्जांपल है 14-6 कार्बन और मैंने लिया 12-6 कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर है सेम, प्रोटॉन्स सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, क्या डिफरेंस क्या बताया था मैंने, न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, कितने 14-6 8 न्यूट्रॉन, इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 12-6 6 न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन्स बराबर है दोनों में, इलेक्ट्रॉन बराबर है, न्यूट्रॉन इसमें 8 है और इसमें 6 है, तो ये स्पीशीज क्या है, आइसोटॉप। हाँ, तो हमें समझ आ गया कि आइसोटॉप में प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, क्या डिफर, न्यूट्रॉन डिफर। एक बात और बताई थी आपको, आइसोटॉप्स सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे कि डिफरेंट, सेम पोजीशन, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर ये सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। एक और बात बताता हूं आपको आइसोटॉप्स के रिगार्डिंग, दे शो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, दे शो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है बच्चों, भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, मतलब कैसी तरह के केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इतना तो सुना है ना आप लोगों ने 19th क्लास में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, वो 2-8-2-1-2-8-8 वाली। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बस अभी इतनी बात याद रख लो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम करेंगे आगे। लेकिन इनका मास नंबर अलग है तो क्या डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है इनका कलर, वॉल्यूम, डेंसिटी, और जिस रेट पे ये रिएक्ट करेंगे वो भी डिफर कर जाएगा, क्योंकि इनका मास डिफरेंट है। तो हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ऐसा कोई कंपटीशन में पॉइंट बन सकता है कि आइसोटॉप्स में, इनमें से आइसोटॉप्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आइसोटॉप्स में प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफर, सेम पोजीशन के डिफरेंट पोजीशन, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। और क्या बताया मैंने, केमिकल प्रॉपर्टी सेम के फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि मास डिफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आइसोटॉप्स के बारे में, पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए। दो या दो से ज्यादा एटम एक ही एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, जेड सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। एक और बात है बच्चों, आप बोलोगे सर कुछ किताबों में हमने पढ़ा था वो ऐसे लिखा होता है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, मेरे को ये पसंद है तरीका, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है। लेफ्ट साइड पे मास नंबर, राइट साइड पे एटॉमिक नंबर, ये भी चलेगा, पर मैं दोनों लेफ्ट पे लिखना प्रेफर करता हूँ, राइट। ऊपर वाली चीज मास नंबर, नीचे वाली चीज एटॉमिक नंबर। चलिए कर लीजिए नोट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार्स। अब ये आइसोबार क्या होते हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स टू और मोर देन टू एटम्स of different elements.
बार कभी भी सेम एलिमेंट के एटम नहीं हो सकते। आइसोटॉप सेम एलिमेंट के एटम थे या डिफरेंट एलिमेंट के एटम है? टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। दो या दो से ज्यादा एटम एलिमेंट्स के, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट बट मास नंबर क्या होता है जी सेम, उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं, उन ऐसे एलिमेंट ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? आइसोबार। एग्जांपल देखो, जैसे 40-20 कैल्शियम और 40-18 आयरन। अब ये दो एटम्स जो हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, बट दोनों का क्या सेम है? मास नंबर, इसका भी मास नंबर 40, इसका भी मास नंबर 40, राइट? तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोल सकते हैं? आइसोबार। और इसमें क्या सीखना है? अब कैलकुलेट करें तो पहले में 20 हो गया प्रोटॉन, 40 हो गया मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तो आ गया ना बच्चे से। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए फिर? 40 माइनस 20 यानी कि 20, 40 प्रोटॉन न्यूट्रॉन 20। अब न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन का क्या मैंने बताया था? जेड माइनस चार्ज, तो इसका Z कितना है? 20, एटॉमिक नंबर 20 है ना, Z is equals to 20 is equals to proton, तो चार्ज तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20। दूसरी स्पीशीज में हो Z कितना है? 18, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 18। मास नंबर 40, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बोलो 40, तो न्यूट्रॉन कितना? 40 माइनस प्रोटॉन 22। इलेक्ट्रॉन का क्या बताया था? Z माइनस चार्ज, कितना चार्ज है यहां पे? कुछ भी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो हमें क्या देखने को मिला? भी इसमें प्रोटॉन 20, इसमें प्रोटॉन 18, इसमें इलेक्ट्रॉन 20, इसमें इलेक्ट्रॉन 18, इसमें न्यूट्रॉन 20, इसमें न्यूट्रॉन 22। मतलब आइसोबार का ना तो प्रोटॉन मिलता है, ना इलेक्ट्रॉन मिलता है, ना न्यूट्रॉन मिलता है, लेकिन हाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जिसे बोलते हैं मास नंबर वो मैच करता है, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं आइसोबार। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? आइसोबार डिफर इन द नंबर ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइसोबार प्रोटॉन में भी डिफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन में भी डिफर करते हैं और न्यूट्रॉन्स में भी डिफर करते हैं। आइसोबार डिफर इन ऑल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ जी, तो देख लो, कर लीजिए नोट, कुछ रहता है तो बता दीजिए। हाँ, तो दो या दो से ज्यादा एटम जिनका मास नंबर हो सेम, एटॉमिक नंबर हो डिफरेंट, तो प्रोटॉन भी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट, क्या सेम? मास नंबर। अच्छा, मास नंबर को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन इज अ कलेक्टिव वर्ड फॉर
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर इज अ कलेक्टिव वर्ड फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सो वी कैन से आइसोबार हैव आइडेंटिकल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि आइसोबार में क्या सेम होते हैं, न्यूक्लियस का नंबर सेम होता है आइसोबार में, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम सेम होता है, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं आइसोबार, राइट। चलिए कर लीजिए नोट, फिर करते हैं आगे कंटिन्यू। आइसोटोन हो गया, आइसोबार हो गया, नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? हम भी डिफरेंट डिफरेंट कलर इस्तेमाल करके लिखें, शायद मजा आए कुछ। आइसोटोन्स का मतलब है टू और मोर देन टू, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर different mass number different atomic number different mass number but हाँ क्या सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है उन स्पीशीज को बोलेंगे, उन एटम्स को बोलेंगे आइसोटोन्स। तो एग्जाम्पल भी आते हैं साथ के साथ, 30-14 सिलिकॉन, 31-15 फॉस्फरस, 32-16 सल्फर, तीनों के। अब तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि प्रोटॉन्स डिफरेंट हो गए, तीनों का मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है 30 का मतलब है मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 31 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 32 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं 14, प्रोटॉन कितने हैं 15, प्रोटॉन कितने हैं 16, तो सब्ट्रैक्ट करके न्यूट्रॉन कितना आया, तो न्यूट्रॉन आ गया 30-14, 16, लिख दें 30-14, 16, और इसमें 31-15, 16, और इसमें 32-16, 16। तो आपने देखा एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, बट न्यूट्रॉन की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आगे सेम आगे, तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाएगा, ऐसी स्पीशीज को बोला जाएगा आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स राइट, तो दो या दो से ज्यादा एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, ऐसी स्पीशीज को बोलेंगे आइसोटोन्स। कर लीजिए नोट।
अच्छा आइसोटॉप हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन हो गया। नेक्स्ट है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स ISODIPHERS ये उन चीजों को बोलते हैं, उन एटम्स को बोलते हैं जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन के नंबर सेम हो, उन एटम्स को बोलते हैं आइसोडाइफर्स। टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे रे, आइसोडाइफर्स। अब कुछ आपको याद हो तो हम बोलते हैं अगर एक्स ए जेड सिंबल है तो ए किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जेड किसके बराबर है, प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन किसके बराबर आया, ए माइनस जेड, प्रोटॉन जेड है ना, तो न्यूट्रॉन हो गया ए माइनस पी, तो ए माइनस पी को मैंने लिख लिया ए माइनस जेड, पी कैपिटल कर लीजिए यहां पे कैपिटल है ना। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का मतलब हुआ ए माइनस जेड माइनस पी की जगह फिर जेड, यानी क्या आ गया ए माइनस टू जेड, राइट। तो ए माइनस टू जेड का नंबर जिसमें सेम आएगा उन स्पीशीज को आप बोलोगे आइसोडाइफर्स, ए माइनस टू जेड जिसका सेम आएगा उन स्पीशीज को आइसोडाइफर बोलोगे। अब कैसे होगा ये, से कैसे करेंगे, कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये, तो ये माना जाता है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ट्वेल्थ में आएगी, ये वो स्पीशीज है जब तब पैदा होती है जब कोई भी एलिमेंट अल्फा पार्टिकल डिके करता है। अल्फा पार्टिकल डिके का मतलब है कोई भी जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव का मतलब होता है जो अनस्टेबल है और डिकम्पोज करता है, उसे हम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियोएक्टिविटी में तीन तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तब जो स्पीशीज क्रिएट होती है उन्हें हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा यूरेनियम 235 92, अब ये डिकम्पोज कर रहे हैं तो बन गया 231 90 थोरियम। यू इज अ सिंबल ऑफ यूरेनियम, टी एच इज अ सिंबल ऑफ थोरियम प्लस 42 Hg, इसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब आप देखना ये दोनों जो स्पीशीज होंगी ये क्या होंगी, ये दोनों जो स्पीशीज होंगी ये होंगी आइसो डाइफर्स, ये दोनों स्पीशीज होंगी आइसोडाइफर्स, राइट। कैसे, सुनो, पहले में 92 प्रोटॉन है, 92 डोमिनेंट नंबर है तो 92 प्रोटॉन है, जेड है, ए कितना है उसका 235। अब मैंने बोला न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, सिंपल फंडा क्या है उसका, ए माइनस टू जेड कर लीजिए, ए कितना है 235, 2 इंटू जेड, जेड कितना है 92, तो 235 90 को 2 से किया 180, 184, तो 235 माइनस 184 कितना हुआ,
करिए करिए, आपका मैथ्स में से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 5 में से 4 गया 1, 13, 13 में से 8 गया 5, 1, 1, 0, तो कितने न्यूट्रॉन्स आ गए इसके अंदर, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन ए माइनस यूज कितना आ गया 51। ये हमने किसकी बात की, यूरेनियम की 235 92 की, तो उसका ए माइनस जो 2z सॉल्व किया तो आ गया 51। अब दूसरी तरफ इसका सॉल्व करते हैं, थोरियम 231 90, ए कितना है 231, जेड कितना है 90, ए माइनस 2z क्या आएगा 231 माइनस 2 इंटू 90, 231 माइनस 2 इंटू 90 तो 231 माइनस कितना 180, तो 231 माइनस 180 कितना दोबारा से 51। तो जब अल्फा डिके हुआ, अल्फा पार्टिकल निकल के गया, इस हीलियम न्यूक्लियस को केमिस्ट्री में अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो यूरेनियम में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन किया वो भी 51 आया, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन को ए माइनस 2z भी बोल सकते हो, और थोरियम में किया वो भी 51 आया, तो ये स्पीशीज क्या कहलाएंगी, आइसोडायफर्स। पता है मैंने आपको चाहिए कंपटीशन के लिए तैयार कर लीजिए, ठीक है, और जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज देने से, ज्यादा का नुकसान है, नॉलेज है, नॉलेज से तो ज्ञान से तो बढ़ते ही है। ओके, तो आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार और फिर आइसोडायफर्स, एक और कर लीजिए, देख लीजिए, दो या दो से ज्यादा एटम जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर सेम होगा उन्हें हम बोलेंगे आइसोडायफर। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर जो है उसे आप ए माइनस 2z भी लिख सकते हो। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, मैं लिख सकता हूं ये लाइन कहां लिखेंगे, नीचे लिख देता हूं, दे आर इंपॉर्टेंट है, they are produced during alpha decay। तो isodiphers कब produce होते हैं, जब क्या होता है alpha decay होता है, तो isodiphers are produced during alpha decay, तो alpha decay में produce होते हैं isodiphers। चलिए कुछ भी नहीं है, ए मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जेड माइनस चार्ज, चार्ज अगर जीरो है तो जेड के बराबर आ गया, प्रोटॉन के बराबर आ गया, कटायन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एनायन है तो ऐड हो जाएगा, जिनमें सेम एटॉमिक नंबर वो आइसोटोप, जिनमें सेम मास नंबर वो आइसोबार, जिनमें सेम प्रोटॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूट्रॉन वो आइसोटोन, जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन यानी कि ए माइनस 2z से वो आइसो डायफर, बस दो स्पीशीज और रहेगी। फिर हम करते हैं आगे, मैंने पहले भी बताया बच्चों को होता है भी हमारी परसेंटेज ज्यादा है 80, 85, 90, 95, वो सपनों में ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं, मैं भी सोचना शुरू कर देता हूँ मैं 1 लाख कमा लूँ, 2 लाख कमा लूँ, लेकिन वो सपने सोचने से नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, रेगुलर पढ़ते जाइए, अपने आप फिर आपका लेवल बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हमने आइसोटॉप कर लिया, आइसोबार कर लिया, आइसोटॉन कर लिया, आइसोडायफर कर लिया, अब हमारी दो स्पीशीज रहेगी, एक है आइसोस्टर, आइसोस्टर हाँ यही है इसकी स्पेलिंग आइसोस्टर, तो आइसोस्टर क्या होता है, आइसोस्टर वो स्पीशीज हैं ये एटॉमिक नहीं है, ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज भी है, मॉलिक्यूलर स्पीशीज है मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स आते हैं, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स
or more than two molecules having same number of atoms and same number of electron. तो जिनमें एटम्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम आइसोस्टर. आइसोस्टर, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोस्टर. फॉर एग्जांपल, ये एक स्पीशीज है N2, ये है CO, ऐसे बहुत सी हैं. अब N2 बना हुआ है टू एटम से, CO भी बने टू एटम से. N2 में N का एटॉमिक नंबर है 7, कुछ एटॉमिक नंबर तो याद है ना आपको, पढ़े हुए हैं. 14-7 होता है कार्बन, 14-7, 14-6 या 12-6 वो आइसोटॉप होते हैं उसके. तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए टोटल? इलेक्ट्रॉन हो गए 2 × 7, एक नाइट्रोजन के साथ, तो हो गए कितने? 14. इसमें कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, टोटल कितने हो गए? 14. तो दोनों में एटम्स का नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 है, तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाएगा? आइसोस्टर. सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और मान लीजिए जैसे N2O एंड CO2, N2O कितने एटम से बने? 3 एटम्स. इसमें कितने हैं? 3 एटम. N2O में कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 × 7 + ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन. तो 14 + 8 कितना हो गया? 22. CO2 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 × 2, तो 6 + 16 भी कितना? 22. तो इनमें एटम्स का नंबर सेम है मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो ये स्पीशीज क्या होती हैं? आइसोस्टर. सो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उन स्पीशीज को बोलते हैं आइसोस्टर. राइट, गुड. आइसोस्टर, चलिए आगे सब कर दे रहा. वेरी गुड. बस एक स्पीशीज और फिर फिनिश. लास्ट स्पीशीज है आज की, न्यूक्लियर आइसोमर. न्यूक्लियर आइसोमर के बारे में ज्यादा 12th में पढ़ाएंगे, पर थोड़ा सा भी आप इतना समझ लीजिए. दो ऐसे न्यूक्लियर एटम्स जिनका हाफ लाइफ सेम होता है, उन्हें हम न्यूक्लियर आइसोमर बोलते हैं. हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जिसमें वो डिकम्पोज होके अपना बिल्कुल इनिशियल का हाफ अमाउंट रह जाता है. अगर 10 ग्राम था तो 5 ग्राम रह जाएगा, अगर 100 ग्राम था तो 50 ग्राम रह जाएगा. ऐसे दो एटम्स जिनका हाफ लाइफ सेम होता है, न्यूक्लियर आइसोमर जो डिकम्पोज करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर. बस ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आप लिख लीजिए. दो, टू और मोर देन टू एटम्स, मोर देन टू रेडियोएक्टिव एटम्स. Having same half life, जिनका half life same होता है,
क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोटोप। इनको हम पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। ये दो एटम है और जिनका हाफ लाइफ सेम होता है। हाफ लाइफ का मतलब क्या बताया मैंने, जो भी अमाउंट प्रेजेंट है वो हाफ लाइफ के अंदर हाफ रह जाएगा। जैसे 10 ग्राम है तो क्या रह जाएगा 5 ग्राम, 100 ग्राम है तो क्या रह जाएगा, ऐसे लाइफ को, ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो दो एटम्स होंगे उनका हाफ लाइफ, अगर इसका एक साल है तो उसका भी एक साल होगा, अगर इसका 10 साल है तो उसका भी 10 साल होगा। तो ऐसे जो दो एटम होंगे जिनका हाफ लाइफ सेम होगा, ऐसे दो एटम्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर आइसोमर। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, होप आपको सारा समझ में आ गया। हमने पढ़ लिया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, फिर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, उसके बाद आइसोडाइफर, आइसोस्टर और लास्ट में न्यूक्लियर आइसोमर। होप आपको सारी क्लास समझ में आई, दोबारा रिवाइज करना है इसे, वीडियो को वहां पे पॉज करके रिमाइंड करके जहां पे नहीं समझ में आए, ठीक है, और पढ़िए, एंजॉय करिए केमिस्ट्री का, मजा लीजिए, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।